फर्जी फंडिंग के मामले में बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आम आदमी पार्टी रंगे हाथों पकड़ी गई है। जेटली ने पूरे मामले में काले धन को सफेद करने की साजिश का भी आरोप लगाया है। तो काले धन को सफेद करने की साजिश आम आदमी पार्टी रचती थी, आवाम का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। जेटली ने यह बात भी कही है। आपको बताना चाहेंगे कि इस फर्जी फंडिंग का जो भंडाफोड़ था वो आवाम ने ही किया था। अब आम आदमी पार्टी फर्जी फंड पर वित्त मंत्री बोले हैं, जिन्होंने कहा है कि काले धन को सफेद करने की साजिश रची जाती थी। कंपनी लॉ के तहत कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 वर्ष के जो मुनाफा है उसका औसतन 7.5% दे सकती है किसी राजनीतिक दल को। तो ये तो कंपनियां थी जिनका कोई व्यवसाय नहीं था, कोई मुनाफा नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था। जब कोई भी इतना बड़ा 2 करोड़ का चेक देता है तो स्वाभाविक है कि इस कंपनी के पीछे कौन व्यक्ति है जो उसका मालिक है या उसके कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में है, आप पूछेंगे। कोई अनजान व्यक्ति हो जिसका डूबियस काम हो, उससे तो आप पैसा लेंगे नहीं। ये एक वास्तविकता है कि इस देश में काले धन को सफेद करना या हवाला के माध्यम से पैसा लाना और फिर इन कंपनीज के माध्यम से उसको व्हाइट की एंट्री दिखला देना, अपना ही पैसा घुमाकर, जिसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, लोग करते हैं। शायद